एंड आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों साइड में। लॉक करने का मतलब यहाँ पे यह है कि पाउडर से अच्छे से प्रेस करके आप अपने व्हाट्सअप कैसे हो आप सारे, आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। क्या हाल चाल, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स। अगर आप एक बिगनर हो और आप जानना चाहते हो कि मेकअप के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ती है, कौन से ऐसे बेसिक प्रोडक्ट्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए, हर किसी के पास होने चाहिए, आज की वीडियो में मैं वो सारे मेकअप प्रोडक्ट्स स्टेप बाय स्टेप कवर करने जा रही हूँ कि अगर आप मेकअप करते हो तो आपको पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है, लास्ट में क्या लगाना है। सारे ही मेकअप के प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए हैं, सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप इजिली चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेकअप की सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज ये है, जब भी आप अपनी स्किन को मेकअप करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, आपका फेस एकदम वॉश होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने स्किन को क्लीन कर लोगे, आप या तो फेस वॉश कर लोगे या फिर आप किसी वेट वाइप्स की हेल्प से अपना फेस क्लीन कर लोगे। इसके बाद अब हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है, अब हमने अपने फेस पर लगाना है मॉइस्चराइजर। अगर आप लोग कोई किसी तरीके का सीरम यूज कर रहे हो अपने स्किन पे, कोई विटामिन सी सीरम है, कोई ग्लोइंग सीरम है, तो आप सीरम भी लगा सकते हो। बट अगर आप सीरम यूज नहीं कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि आप मेकअप से पहले सीरम लगाओ, जरूरी नहीं है। स्किन का हाइड्रेटेड होना जरूरी है, उसके लिए आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके स्किन टाइप के लिए बना है, आपकी ऑयली स्किन है उसके अकॉर्डिंग, ड्राई स्किन है उसके अकॉर्डिंग, कोई भी मॉइस्चराइजर जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो वो भी कर सकते हो, या फिर आप ले सकते हो ये वाला मॉइस्चराइजर जो अभी करंटली मैं यूज कर रही हूँ, ये है अंडररेटेड ब्रांड का। ये मॉइस्चराइजर मैं क्यों करंटली यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन पे एक्ने भी आ जाते हैं, अभी आपको दिख रहा होगा कुछ अभी लेटेस्ट फ्रेश एक्ने मुझे आए थे जिनके स्कार्स अभी हैं। तो ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ऑयली स्किन के लिए है और एक्ने भी ट्रीट करता है, तो ये मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ। तो इसका एक बार अगर हम टेक्सचर देखेंगे, इसका टेक्सचर जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर है इसका, इजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं देता है। मतलब अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तब भी आप लगा सकते हो, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, बट जिनकी स्किन ऑयली है वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अब आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है फेस पे प्राइमर यूज करना। आपने अगर मेरी पुरानी कुछ वीडियोस देखी होंगी, अभी मैंने कुछ लास्ट मंथ एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको मेकअप अपने फेस पे करके दिखाया हुआ है, बेसिक हर एक चीज मैंने उसमें समझाई है, फर्स्ट स्टेप सेकंड सब कुछ मैंने फेस पे करके दिखाया है। अगर आप देखना चाहते हो फेस पे कैसा लगेगा मेकअप, तो आप उस वीडियो के लिए भी जा सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो आता है प्राइमर। प्राइमर का क्या यूज होता है गाइस, प्राइमर क्या करता है, हमारी स्किन जो हमारी स्किन है और जो मेकअप लगाएगी इसके बीच में एक दीवार बना देगा, दीवार मतलब एक सरफेस रेडी कर देगा, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट आप मेकअप का अपनी स्किन पे लगा रहे हो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा और आपकी स्किन खराब नहीं होगी। तो प्राइमर का ये काम होता है। और दूसरा, प्राइमर के ऊपर जब आप मेकअप करते हो तो वो आपकी मेकअप को भी एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ और फिनिश लुक देता है। तो प्राइमर के लिए मैं जो अभी करंटली प्राइमर यूज कर रही हूँ वो है ये मेबेलिन का फिट मी प्राइमर, और ये मैट है और पोरलेस प्राइमर है, जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं जहाँ पे आपको दिखेंगे, टी जोन एरिया में दिखेंगे, चिन पे दिखेंगे, ये पोर्स को मिनिमाइज भी करता है। एंड इसके अंदर एस पी एफ 20 भी है, तो हमारी स्किन को सन प्रोटेक्शन भी करता है। इसका एक बार हम टेक्सचर देख लेते हैं। सो मैंने बहुत हल्की क्वांटिटी ली है, तो ये आप देखोगे गाइस, मैंने स्किन पे लगाया और स्किन में चला गया, अब्सॉर्ब हो गया अच्छे से, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब प्राइमर हो गया, अब मेकअप का बेस हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाते हैं गाइस, अगर गाइस आपकी स्किन पे डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं, निशान ज़्यादा हैं, तो आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। वो सबके लिए ज़रूरी नहीं होता, बट अगर बहुत ज़्यादा निशान है तो आप कलर करेक्टर लगा सकते हो, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो हम अब सीधा चलेंगे फाउंडेशन पे। फाउंडेशन जो होता है वो हमारी स्किन की शेड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप फेयर स्किन टोन है आपका, तो आप उसके हिसाब से अपना फाउंडेशन सेलेक्ट करोगे। अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो उसके हिसाब से फाउंडेशन की शेड अलग होती है। मैं अभी ये स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ये बजट में भी आता है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है और कवरेज भी अच्छी दे देता है। इसमें जो मेरी शेड है वो है शेड नंबर 03 न्यूड बीच। मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वीट कॉम्प्लेक्शन है, वीट और पेल मिक्स है थोड़ा, तो ये फाउंडेशन मेरी स्किन पे चला जाता है। और ये आप देखो गाइस, इसकी कवरेज भी अच्छी है। मैं एक बार आपको ना हल्का ब्लेंड करके दिखा देती हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लेंड किया है मेरे हाथ पे, आप देख सकते हो उतना एरिया, बहुत डिफरेंस नहीं है कॉम्प्लेक्शन में, कॉम्प्लेक्शन के जैसा ही हो गया, बट स्किन पे जितने भी फ्लॉस थे वो इसने कवर कर दिए। इस एरिया को देखो जहाँ पे फाउंडेशन लगा है, स्मूथ फिनिश आ रही है, और ये एरिया देखो जहाँ पे फाउंडेशन नहीं लगा है। तो ये भी एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन है आपके पास फाउंडेशन में। अब फाउंडेशन हमारा लग गया है, अब हम लगाएंगे इसके बाद कंसीलर।
सो गाइस, कंसीलर का काम क्या होता है? कंसीलर का काम होता है, अगर आपके स्किन पे जैसे कि ये छोटा वाला निशान है, इस तरीके के निशान है, या आपके डार्क सर्कल्स हैं, वो उसको कवरेज दे देता है एक अच्छी फाउंडेशन से। कवरेज आती है पर प्रॉपर कवरेज नहीं आती, तो हम कंसीलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मैं करंटली कंसीलर यूज कर रही हूँ वो है ये मेबेलिन का। एक बार हम शेड देख लेंगे, थोड़ा सा ये फेयर टोन में है। तो गाइस, कंसीलर भी जो होता है ना, वो वैसे तो लोग ज्यादातर दो कंसीलर यूज करते हैं, एक आपकी स्किन टोन के सेम कलर का होता है और एक थोड़ा लाइट होता है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सेम स्किन टोन का ले सकते हो। एंड ये आप देख लो, इसकी कवरेज भी अच्छी है, पर्ज होने के बाद ये आपकी स्किन को हाईलाइट भी कर देता है एंड लुक एट द टेक्सचर। सो गाइज, यहाँ पे फाउंडेशन लगाया था सेम स्किन टोन का, यहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है, तो ये मेरी स्किन को और ज्यादा हाईलाइट कर देता। अब गाइज, हमारा मेकअप बेस अच्छे से रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो आता है पाउडर। यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, लूज भी ले सकते हो। पाउडर का काम होता है आपके मेकअप को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब वो अच्छे से आपके मेकअप को फिक्स कर देता है। तो आपने देखा होगा मेकअप के बाद कई बार अगर आप स्किन पे हाथ लगाते हो तो फाउंडेशन हाथ पे लग जाता है। ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आपने अपने मेकअप को लॉक नहीं किया होता। यहाँ पे आप अगर लूज पाउडर यूज करना चाहो तो आप मार्स का लूज पाउडर ले सकते हो। आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है, फिर हाथ लगाने के बाद फाउंडेशन कंसीलर हाथ पे नहीं आता। तो इस तरीके का पाउडर है, काफी मैं यूज कर चुकी ऑलरेडी। जब तक हमारा बेस लॉक हो रहा है तब तक हम अपना थोड़ा आई का मेकअप कर लेते हैं। आईज के लिए अगर आप कोई आई शेडो यूज करना चाहते हो तो आप कोई भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो। अगर आप थोड़ा ग्लिटर में देख रहे हो तो आप लैक्मे का, ये स्क्रीन पे जो फोटो है ये वाला आई शेडो भी ले सकते हो। ये अच्छा पिगमेंटेशन इसका आता है। फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ यहाँ मेरे पास ये पैलेट नहीं है, बट मेरे पास ये घर पे है, तो ये वाली पैलेट आप यूज कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद बात आती है हमारी आईब्रोज की एंड आईलैशेस की। आईब्रोज के लिए गाइस आप यूज कर सकते हो कोई भी आईब्रो पेंसिल। जो मैं यूज करती हूँ हमेशा वो करती हूँ मैं ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल, जो एक तरफ से हमारा ये इस तरीके से निकल जाता है जिससे हम अपनी आईब्रो की शेप बना लेते हैं। पर आपको करके भी दिखा देती हूँ, बहुत इजी होता है शेप करना और बस आपको अपनी शेप के अकॉर्डिंग इसको चलाना होता है अपनी आईब्रो पे। इसमें दो कलर आते हैं, ब्राउन एंड ये वाला ग्रेश ब्लैक, तो मैं ये यूज करती हूँ। अभी मैंने बहुत कैमरे में देख के बहुत लाइट किया है, मुझे ज्यादा पता चल नहीं रहा है, बट आई होप आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा। आप डिफरेंस देख सकते हो मेरी दोनों आईब्रोज में, राइट गाइस। इसके बाद इसके साथ ही हमें एक साइड पे ये स्पूली मिलता है जिससे आप इसको कॉम्ब भी कर सकते हो अपनी आईब्रो को, एंड डिफरेंस आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो आईब्रो बनाना, कोई आईब्रो शेप देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बस आप अपनी आईब्रोज की शेप के अकॉर्डिंग जो नेचुरल शेप है उसी को ही आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हो एंड गुड टू गो। ये देखो गाइस कितना इजी था। आई लैशेज को कर्ल करने के लिए, एक अच्छा लुक देने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस तरीके का कर्लर, ये आपके पास होना ही चाहिए। कुछ 100-150 रुपए का आ जाता है और ये मेरा 1-1.5 साल से चल रहा है, ज़्यादा हो गया होगा। आपको सिंपली इसमें अपनी आईब्रो इस तरीके से रखनी होती है थोड़ा ध्यान से, और ऐसे आपको 7-8 बार इसको प्रेस करना होता है, एंड आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों साइड में, राइट गाइस। मेरे को एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बिना मिरर के भी सिर्फ फ़ोन के कैमरे में देख के कर पा रही हूँ, बट प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख के करना। और दिस इज रियली अ नाइस प्रोडक्ट टू हैव, चाहे आप मेकअप ना भी करते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब पे जाते हो, एक कर्लर आपके पास होना ही चाहिए। आप देख सकते हो उसने मेरी आईलैश को कितने अच्छे से कर्ल कर दिया और मेरी लुक चेंज कर दिया, इसकी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लुक हो गई है। अब बारी आती है आईलाइनर या काजल की, वो आपके ऊपर, आप काजल लगाना चाहो, आईलाइनर लगाना चाहो। यहाँ पे मैं जो आईलाइनर यूज करती हूँ, मैं लैक्मे का यूज करती हूँ। 100-120 रुपए का आई बॉटल आ जाती है, 1-2 साल आराम से चलती है, बहुत अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है और वाटरप्रूफ भी है सबसे बड़ी बात। ये हम एक बार देख लेते हैं, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, ठीक है, आइडिया का आपको लग ही गया है। एंड दिस इज ऑल्सो वाटरप्रूफ, बहुत अच्छा कलर है इसका, पिगमेंटेशन अच्छी है, तो इसके लिए जा सकते हो आप। काजल लगाना चाहो काजल लगा सकते हो। एंड इसके बाद बारी आती है मस्कारा की। तो ये है गाइस जो मैं अभी करंटली मस्कारा यूज कर रही हूँ, ये है रिमेल लंदन ब्रांड का, ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। ये नहीं करना चाहो मेबेलिन का कर सकते हो, वो भी मेरे पास एक है, दोनों में से दोनों मस्कारा यूज कर सकते हो, अच्छा मस्कारा है। अब क्योंकि हमारी आई रेडी है, हमारा मेकअप का बेस रेडी है, बारी आती है अच्छे से ब्लशर की और एक अच्छे से हाईलाइटर की। तो ब्लशर के लिए आप ये शुगर पॉप का ये वाला ब्लशर यूज कर सकते हो, ये है शेड रोज, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है गाइस, ये थोड़ा सा ही लेना होता है और अच्छे से हमारे, देख रहे हो आप, मैंने 1-2 बार स्वॉच किया और अच्छे से हमारे गाल को पिंक कर देता है। मैं आपको हल्का सा टच करके दिखा देती हूँ, ये देखो गाइस डिफरेंस आपको दिख रहा है, मैंने टच किया और उंगली पे भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये ले सकते हो, अफोर्डेबल भी है और चल भी जाता है काफ़ी टाइम, तो ये वाला ब्लश आप ले सकते हो। ब्लश आपने, अगर आपको चाहिए कि आपका फेस मोटा ना लगे, चबी ना लगे, तो ब्लश आपको इस एरिया में लगाना है,
अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा क्यूट सा चबी सा आपको फेस दिखाना है तो आप ब्लश यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओगे, ठीक है? ऑलराइट, हमारा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, बट हाइलाइटर के बिना तो मेकअप कंप्लीट होगा ही नहीं। थोड़ा सा आप अपने फेस को ग्लोई एंड हाइलाइटिंग लुक देना चाहते हो तो आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास ये है स्विस ब्यूटी का 4-in-1 हाइलाइटर, इसके अंदर 4 शेड्स हैं, बहुत अच्छी पिगमेंटेड शेड्स है सारी। ये देखो गाइस, और आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो कितना अच्छा हाइलाइटर है इसका। यहाँ पे हम करके देखेंगे, ये देखो गाइस कितना नेचुरली हाइलाइटेड कर दिया इसने मुझे। अगर आपको गोल्डन कलर नहीं चाहिए आप व्हाइट में जा सकते हो, इसके व्हाइट शेड भी बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पे हमने व्हाइट किया है, ये देखो गाइस ये नीचे व्हाइट हो गया, यहाँ पे गोल्डन हो गया। सो ओवरऑल आप अपने फेस पे चीक एरिया पे हाइलाइटिंग करते हो, नोज पे करते हो, आप अपने यहाँ पे आईब्रो बोन पे हाइलाइटिंग करते हो, ठीक है, लिप के ऊपर और चिन पे हाइलाइटिंग करते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊँ ये सारी चीज़ें तो मेरी आप लेटेस्ट वीडियो में जा सकते हो जो आपको मेरे पेज पे दिख जाएगी, तो मैंने पूरा फेस पे करके दिखाया। इसके बाद आपको लगानी है एक पेरिस लिपस्टिक, ठीक है, लिप लाइनर के साथ लगा सकते हो, लिप लाइनर के बगैर लगा सकते हो। लिपस्टिक लगा ली, अब हमारा पूरा फेस का मेकअप रेडी है। बट मेकअप तो कर लिया आपने इतनी मेहनत करके, आधा एक घंटा लगा के मेकअप कर लिया है, बट ये मेकअप चलेगा कितनी देर उसका भी ध्यान आपको रखना है। तो उसके लिए आपको अपना मेकअप लॉक करने की बहुत ज़रूरत होती है। लॉक करने से यहाँ पे मेरा मतलब है मेकअप को आपको फिक्स करने की जरूरत है कि आपने जो मेकअप किया एटलीस्ट 7-8 घंटे तो फेस पे रहना चाहिए, राइट? तो उसके लिए गाइज हम यूज करते हैं मेकअप फिक्सर। तो जो करंटली मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी कर रही हूँ। बस आपको क्या करना है, जब आपका मेकअप पूरा हो जाता है इस तरीके से इसको लेके इतनी दूरी से स्प्रे करना है एंड हो गया आपका मेकअप। बस इतना ही था गाइज। सो गाइज सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप सेम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वहां से आप ले सकते हैं। बाकी गाइज अगर आपको मेकअप करते हुए वीडियो देखनी है तो आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो। तो गाइज उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।